आज 26 जनवरी 2020 यानी 2020 यहां उल्लासनगर के सिंधु यूथ सर्किल में वी टीवी के द जनवरी शो कार्यक्रम के एक मूवी की स्क्रीनिंग हुई है, यूं कहें कि मूवी रिलीज हुई है। डेडलाइन इस मूवी का नाम है और इसके जो डायरेक्टर हैं हरीश शर्मा है और प्रोड्यूसर जो है कृतिका शर्मा है। क्री जो प्रोडक्शन उनकी तरफ से ये फिल्म यहाँ पर आज प्रदर्शित हुई है, पहली बार ऑडियंस को दिखाई जा रही है और शॉर्ट मूवी है। और सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे मूवीज़ के कंसर्न में जिस तरह के जो अवार्ड्स विनिंग इस तरह के इवेंट्स होते हैं वहाँ पर ये जो है मूवी जाने वाली है और उस मूवी के देखने के बाद ऑडियंस ने काफ़ी यहाँ पर इमोशंस फील किए हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूँ वी टीवी का कलाकार होने के नाते, वी टीवी का डायरेक्टर होने के नाते कि हरीश शर्मा की ये मूवी और लोगों को पसंद आएगी। जो भी लोग देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी फंक्शंस हैं या जो भी प्रोडक्शंस हैं या जो भी इस तरह के अवार्ड्स के जो भी अचीवमेंट्स के जो कंसर्न्स हैं वहाँ पर हरीश शर्मा की मूवी जरूर लोगों को। हाँ सॉरी, अब सर ने इतना सब कुछ बोल दिया कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचे, बट इतना है कि सर का पूरा कोऑपरेशन था इसमें, सर का पूरा आशीर्वाद था जो मैं आज इतना कर पाया हूँ। वंस अगेन आई थैंक माय वाइफ माय किडो एंड माय फ्रेंड हु इज अ को प्रोड्यूसर, सॉरी ही इज अ बिजनेस पार्टनर आल्सो, क्लियर कर रहा है भाई, करके ना ऐसे निकाली फ्रेंड को भी निकाल के नहीं, ही इज अ बिजनेस पार्टनर आल्सो। टेंशन हम लोग बना रहे हैं आगे जाके और भी शॉर्ट मूवीज बनाने का सोच रहे हैं, या तो टाइम लग चुके हैं कुछ आपको इस तरह बता नहीं पाएंगे, बट हाँ कुछ हो रहा है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे भी आपको कुछ हो रहा है हरीश आपकी इस फिल्म के साथ बिल्कुल वो ट्यून करता है, देवेश आपकी इस फिल्म के साथ वो ट्यून करता है। आ उंगली पकड़ के तेरी, एक बाप अपने बेटे को कहता है आ उंगली पकड़ के तेरी तुझको चलना सिखला, और ये दामी 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 कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। मेरे बेटे की भूमिका सर अर्जुन पारवानी ने निभाई है, तो यही लाइन में उनके लिए भी बोलता हूँ। जो भी देखेगा तुझको तुझको मेरा लाल कहेगा। एक पिता के लिए सचमुच स्वाभिमान की बात होती है कि उसकी संतान उसके नाम से जानी जाती है, उसके नाम से पहचानी जाती है, वंश उसका जो है उस पिता के नाम से। और आज हम अपने परिजनों की अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, आप ये सोच लीजिए कि आपका जन्म आपकी माता पिता की देन है, आप हैं क्योंकि आपके माता पिता हैं, वो न होते तो आप न होते। आपका जन्म हमें विदाता ने जन्म तो दिया है, लेकिन माँ बाप की कोख, माँ की कोख, बाप का प्यार, जैसे ये हमेशा ऐसा हिम्मत अफजाई करता रहता है, तवा जी की मेहरबानी। उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग जनरेशन भी इसको इतना दिल पे ले लेगी कि सबके आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने सोचा ही नहीं, मैं वहां से जब निकला और मैं जब स्टेज के पास आ रहा था तो जो यंग जनरेशन है ये सब रो रहे थे, एंड दैट इज द बिगेस्ट एप्रिसिएशन फॉर वी टीवी, अ कंप्लीट वी टीवी ग्रुप। क्या इमोशंस निकले मुझे नहीं पता है, बट ये रो रहे थे, आप प्लीज बताइए क्या था। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा आपको कि इतनी ग्रेट मैसेज देने के लिए हमारे वी ग्रुप को, एंड सर ग्रेट
नो वर्ड्स. थैंक यू मुझे अपने ग्रुप में जगह देने के लिए. हाँ दिल से कह रहा हूँ सर. थैंक यू. थैंक यू. एक बात कहना चाहूँगा बस, हम बहुत गलतियाँ करते हैं जिंदगी में, लेकिन दुनिया कभी वो गलती को ऐसे नहीं करती है. बट एक माँ बाप ही है जो उसे उन गलतियों को ढकते हैं और हमें अपनाते हैं. बस यही कहना चाहूँगा. ये बंदा पूरा वीडियो ऑपरेट कर रहा था और ये रो रहा था. टेक्निकल बंदे मैंने देखे नहीं आज तक रोते हुए. इट्स अ ग्रेट एप्रिसिएशन फॉर मी फ्रैंकली स्पीकिंग. सर एक्चुअली मैंने सर के कैरेक्टर में अपने दादाजी को आज मिस किया है बहुत. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस मूवी यार. लव यू सर. किसी भी एंगल से काम वाली नहीं लग रही थी. मुझे लग रहा था कि इसको इतनी अच्छी काम वाली कहाँ मिल गई सीरियसली. लेकिन मैंने ऐसे ही कैरेक्टर दिमाग में रखा था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कोई तो एक हो जो रेडी हो बोलने के लिए कि हाँ मैं करूंगी. और बहुत ही सोचकर मैंने पूछा निशा आप ये रोल करोगे एंड उसने स्टोरी सुना बोला हाँ मैं रेडी हूँ क्या करना है बोलो. मैं अंधे को क्या चाहिए. सारा क्रू जो है सबसे पहले मैं दीपक सर को बोलूंगा. सर ने मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने असिस्टेंट इनके अंडर में ही किया है. सारी चीजें सीखा मैंने यहीं से. और जब मैं डायरेक्ट कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बोलूं इनको कि सर ऐसा करना है ऐसे बोलना है. बट बिलीव मी उस तरफ यहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ वहां पे सर थे एज एन एक्टर. मैंने बोला सर ये हिचके जा रहा सर ये नहीं. हाँ तो वैसे करते ना. एक बार भी ऐसे नहीं बोला कि ये क्यों यार मैं मुझे समझ में यार नहीं. कहाँ पे मैं गलत भी हुआ था जो मैंने जाके जब एडिटिंग में बैठा मैं और दिनेश बैठे तो हम लोगों ने देखा कि यार ये सीन नहीं होना चाहिए था. बट हैट्स ऑफ उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला और बोला हाँ करते ना. ये बहुत बड़ी बात. और सबसे बड़ी बात है जब लास्ट सीन चालू हुआ था सर वाकई में रोए थे और सर के साथ हम लोग सब सीन में थे. बैक ऑफ द कैमरा हम लोग भी रो रहे थे. वो जो इमोशन निकला था सच कहता हूं अगर मेरे हाथ में फिल्म फेयर होता तो बेस्ट एक्टर यहीं पे जाता. को-प्रोड्यूसर वो भी रो पड़े थे. को-प्रोड्यूसर हाँ ये तो मेरा बेटा है ना. ये इनका भी एक इतना इतना डिवोशन है. ऐसे मेरा भाई है मेरा दोस्त है. इसमें आपने मुझे भाई भी नहीं डैडी और सीधा दादा बना दिया. लेकिन अगर ऐसे जज्बात जुड़े हैं सबको अपने परिवारों की अपने उन इमोशंस की याद आई है तो सचमुच आपने बहुत बड़ा जो है दिल को छुआ. आपसे ही सीखा है. नहीं ये हकीकत है सच्चाई दिल से आती है. सर एक वाइब्स कम करना है जेडी मल सीन का ऐसा करूँ था ओडी मल देखो माहौल जिसके जब हरीश ने बोला माहौल बन गया था उस वक्त कुछ ऐसे वाइब्स बन गए थे जो हमने स्टोरी सोची थी. जिस वक्त ये नहीं सोचा था हम स्टोरी लिख रहे हैं सिर्फ ये सोच रहे थे सिर्फ किसी के दिल तक पहुँचा है ये स्टोरी और किसी की ऐसी सच्ची घटना हो. काफ़ी लोगों ने सुन के बोला था हाँ ऐसा हुआ है मतलब. पर आज जो इनके आंसू थे ना देवेश नैलानी काफ़ी लोग रो रहे हैं यहाँ पे तो मैं खुश हूँ. ये लोग रो रहे हैं मैं खुश हूँ. रीज़न क्योंकि हम लोग जब मूवी बनाते हैं ना जब हम मूवी बनाते हैं हम सोचते हैं कि यार बस वो इमोशन टच हो जाए हम फिर उसके लिए म्यूजिक के पीछे लग जाते हैं हम एक्टिंग पे दिलो जान से लग जाते हैं एकदम. हम सोचते नहीं है वो टाइम पे मेरे को नहीं था किसी के माइंड में सेकेंड थॉट आया होगा कि ये मूवी के अलावा ये 100% हम लोगों ने देने का ट्राई किया. हम लोगों ने मे बी दिया या नहीं दिया आई डोंट नो वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी सर. लेकिन हम लोगों ने देने का ट्राई किया 100% जिसकी वजह से थोड़ा सा रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल. तो थैंक यू हरीश सर थैंक यू दीपक सर. हम सब आइए सर एक बात कर लेते हैं. नहीं मैं क्या बोल रहा था कि नहीं मैं क्या बोल रहा है वो अपना ये देखिए आप बोल रहे हैं भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो क्रीजो एंटरटेनमेंट इन एसोसिएशन विद तानिया प्रोडक्शन एंड आवर मैं खाली एडिट करूं बोलूं तो सही कुछ बोलना भाई. अरे हम बहुत शूट वूट करेंगे भाई सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन दबा दो बस मैं मेरे को बोलने नहीं दे रहे घंटा दबाएंगे तो यार कमल से